पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपना सेकंड टास्क कंप्लीट करने के लिए स्नो माउंटेन पे क्लाइंब कर रहा होता है। ऐश स्नो माउंटेन के पीक पे आ जाता है जहाँ पर उसको एक ओल्ड लेडी देखने को मिलती है। उससे वो उस अननोन ट्रेनर के बारे में पूछता है। ऐश को पता चलता है कि वो अननोन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि वो ओल्ड लेडी है जो कि सिनो से बिलोंग करती है। उसका फ्रेंड साइरस है और उसकी ग्रैंड डॉटर सिंथिया है। कैरोलिना ऐश को कुछ रूल्स बताती है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। कैरोलिना का फर्स्ट पोकेमॉन होता है स्पिरिटूम, वहीं पर ऐश भेजता है अपने टाइफ्लोजन को। अब आगे ऐश अपने टाइफ्लोजन को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, पर स्पिरिटूम उस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है शैडो बॉल अटैक का जो कि टाइफ्लोजन के ऊपर लग जाता है। अब ऐश अपने टाइफ्लोजन को थंडर पंच अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर स्पिरिटूम यूज करता है सक्कर पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, पर स्पिरिटूम टाइफ्लोजन को रेस्ट लेने का टाइम नहीं देता। वो कंफ्यूज रे अटैक का यूज कर देता है जो कि टाइफ्लोजन के ऊपर लग जाता है और टाइफ्लोजन कंफ्यूज हो जाता है। ऐश अपने टाइफ्लोजन को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है, बट कंफ्यूज के चलते टाइफ्लोजन इस अटैक का यूज नहीं कर पाता और उसको खुद डैमेज पड़ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ साइकिक अटैक का यूज करके स्पिरिटूम टाइफ्लोजन को कंट्रोल करता है और आसमान में लेकर जाकर नीचे फेंक देता है, जिसके चलते टाइफ्लोजन जमीन पर गिर जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। बैटल के स्टार्ट से ही स्पिरिटूम डोमिनेट कर रहा था। अब टाइफ्लोजन यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का जिसको स्पिरिटूम डॉज करने की कोशिश करता है, पर लास्ट में वो अटैक स्पिरिटूम पर लग जाता है जिससे स्पिरिटूम को डैमेज पड़ता है। अब इसके काउंटर में स्पिरिटूम यूज करता है सिल्वर विंड अटैक का। ऐश बोलता है टाइफ्लोजन फ्रेम थ्रोअर का यूज करके इस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करो, बट क्योंकि टाइफ्लोजन कंफ्यूज था इसी के चलते वो फ्रेम थ्रोअर वो खुद पर यूज कर लेता है जिससे टाइफ्लोजन को डैमेज पड़ता है। साथ में सिल्वर विंड अटैक भी उसके ऊपर लग जाता है। इससे टाइफ्लोजन को डैमेज तो पड़ता है, बट ये बग टाइप अटैक था जिसके चलते टाइफ्लोजन पूरी तरह से स्टिंग शॉट से कवर हो जाता है और अब ना ही वो कुछ देख पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था। कैरोलिना बोलती है कि स्पिरिटूम ये काफी अच्छा मौका है, हिप्नोसिस अटैक का यूज करो। स्पिरिटूम बिल्कुल ऐसे करता है, पर तभी टाइफ्लोजन कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और उसके ऊपर जितना भी स्टिंग शॉट लगा हुआ था उनको फ्लेम थ्रोअर का यूज करके टाइफ्लोजन जला देता है। बट इसके बीच में उसके ऊपर हिप्नोसिस अटैक लग जाता है जिससे टाइफ्लोजन सो जाता है। ऐश टाइफ्लोजन को उठाने की काफी कोशिश करता है, बट टाइफ्लोजन उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी स्पिरिटूम यूज करता है डार्क पल्स अटैक का जिससे टाइफ्लोजन को डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो शैडो बॉल और साइकिक जैसे अटैक्स का भी यूज करता है जिससे टाइफ्लोजन काफी ज्यादा वीक हो चुका था। अब फाइनली टाइफ्लोजन उठ जाता है, पर तभी स्पिरिटूम सक्कर पंच का यूज कर देता है और इस एक फाइनल अटैक के साथ फाइनली टाइफ्लोजन हार जाता है, यानी कि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार गया था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। ब्रॉक बोलता है कि बैटल के स्टार्ट से ही टाइफ्लोजन बिल्कुल क्लूलेस लग रहा था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐश ने अपने टाइफ्लोजन को ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी थी और उसको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ स्पिरिटूम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पोकेमॉन है। ऐश तुमको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे के बैटल के बारे में सोचना चाहिए। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होकर अपने टाइफ्लोजन को वापस बुलाता है और निकालता है अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को। ऐश बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से यूज नहीं किया है, पर जितने भी बार यूज किया तुमने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है और इस बार भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जाओ टैलेंट फ्लेम। सैना टैलेंट फ्लेम को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि टैलेंट फ्लेम ऐश का वन ऑफ द बेस्ट कैलोस पोकेमॉन है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है और इसने ऐश को काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स भी जिताई है। कैरोलिना बोलती है कि टैलेंट फ्लेम ये तो एक काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है, देखना होगा कि तुम्हारा टैलेंट फ्लेम क्या कर पाता है। बट हाँ, एक बात बिल्कुल याद रखना है कि मैं और स्पिरिटूम कोई भी मर्सी नहीं शो करने वाले हैं। ऐश बोलता है मुझे अपने टैलेंट फ्लेम पर पूरा भरोसा है। ऐश अपने टैलेंट फ्लेम को फ्लेम चार्ज के साथ स्टार्ट करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में स्पिरिटूम यूज करता है सक्कर पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही अटैक के डैमेज बिल्कुल इक्वल था। ब्रॉक बोलता है कि भले यहाँ पर लग रहा हो कि दोनों पोकेमॉन्स को इससे फायदा नहीं हुआ है, बट इससे टैलेंट फ्लेम को फायदा हुआ है स्पिरिटूम के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन फ्लेम चार्ज का यूज करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बैटल कंटिन्यू होती है और स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल अटैक का जिसको टैलेंट फ्लेम अपनी स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है टैलेंट फ्लेम एक्रोबैटिक्स अटैक का यूज करो। टैलेंट फ्लेम बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो स्पिरिटूम के सामने आ जाता है, पर तभी कैरोलिना बोलती है कि स्पिरिटूम अपने सीक्रेट वेपन यानी कि हिप्नोसिस अटैक का यूज करो। और अब क्योंकि टैलेंट फ्लेम स्पिरिटूम के काफी पास आ गया था इसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और बिल्कुल टाइफ्लोजन की तरह सो जाता है। मिस्टी बोलती है कि कैरोलिना तो तुम्हें एक ही स्ट्रेटजी का यूज करके बैटल में पीछे करते जा रही है, तुम्हें जल्दी कुछ सोचना होगा। टैलेंट फ्लेम अब उठ नहीं पा रहा था और इसका फायदा उठाते हुए स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल अटैक का जिससे टैलेंट फ्लेम को डैमेज पड़ता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है ओमिनस विंड अटैक का जिससे काफी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। इससे टैलेंट फ्लेम को डैमेज तो पड़ता है, बट वो साथ में उठ भी जाता है। अब ऐश अपने टैलेंट फ्लेम को वापस से फ्लेम चार्ज अटैक यूज करने बोलता है और वो स्पिरिटूम के पास पहुंच जाता है। कैरोलिना अपने स्पिरिटूम को सिल्वर विंड अटैक यूज करने बोलती है, पर इतने में उसके ऊपर फ्लेम चार्ज लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। बट स्पिरिटूम अपना फोकस लूज नहीं करता है और सिल्वर विंड अटैक का यूज कर देता है जिससे टैलेंट फ्लेम पूरी
पूरी तरह से स्लिंग शॉट से कवर हो जाता है। अब ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि टेलोन फ्लेम कैसे सही होगा। तभी ऐश को याद आता है कि टेलोन फ्लेम के पास एक काफी स्पेशल एबिलिटी है जो कि उसने यूज की थी नॉइवन के एग को वार्म करने के लिए, जो कि थी फ्लेम बॉडी एबिलिटी। ऐश अपने टेलोन फ्लेम को वापस से वही एबिलिटी यूज करने बोलता है और ये एबिलिटी काम भी आ जाती है। टेलोन फ्लेम अपने फ्लेम बॉडी एबिलिटी का यूज करके सारे स्ट्रिंग शॉट को जला देता है और फ्री हो जाता है। अब ऐश अपने टेलोन फ्लेम को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है और स्पिरिटोम इसको काउंटर करता है सक्कर पंच अटैक के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। बट स्पिरिटोम के साथ एक काफी अजीब चीज होती है, उसके आजू बाजू फ्लेम्स आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा साइन है, अगर तुम किसी पोकेमॉन के ऊपर फ्लायर ब्लिट्स का यूज करते हो तो उसको डैमेज तो पड़ता ही है बट साथ में 10% चांस होते हैं कि अपोनेंट बर्न हो जाए, जिससे हर टर्न में उसको डैमेज पड़ेगा। ये काफी ज्यादा ऑसम चीज थी ऐश के लिए। ऐश बोलता है ये सब तो कुछ नहीं था, मैं इस बैटल के पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया हूँ, टेलोन फ्लेम रूस्ट अटैक का यूज करो। टेलोन फ्लेम बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसको जितना भी डैमेज पड़ा था वो सारा डैमेज रिकवर कर लेता है और उसकी एचपी दोबारा से फुल हो जाती है। सरीना ये देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐश तुमने टेलोन फ्लेम को रूस्ट अटैक कब सिखाया, कैलोस रीजन में तो इसके पास ऐसा कोई अटैक नहीं था। ऐश बोलता है कि मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी जब हमने फायर टाइप टीम सेलेक्ट की थी, तो मुझे पता था कि टेलोन फ्लेम बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले थोड़ा वीक है, इसीलिए मैंने टेलोन फ्लेम के साथ स्पेशल ट्रेनिंग की थी और उसको काफी सारे न्यू अटैक सिखाए थे जिनमें से एक रूस्ट है। अब ऐश अपने टेलोन फ्लेम को स्टील विंग अटैक यूज करने है, जिसके काउंटर में स्पिरिटोम यूज करता है ओमिनस विंड अटैक का, जिससे काफी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते टेलोन फ्लेम स्पिरिटोम के पास नहीं पहुंच पाता है और अटैक भी नहीं कर पाता। मौका देखते हुए स्पिरिटोम यूज कर देता है शैडो बॉल अटैक का टेलोन फ्लेम पे, जिससे टेलोन फ्लेम अनबैलेंस हो जाता है और इसी टाइम पे स्पिरिटोम यूज कर देता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि वापस से टेलोन फ्लेम के ऊपर लग जाता है और इस बार टेलोन फ्लेम ऊपर से नीचे गिरने लगता है। कैरोलिना बोलती है कि स्पिरिटोम यही मौका है, साइकिक अटैक का यूज करो। स्पिरिटोम बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो टेलोन फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। टेलोन फ्लेम काफी कोशिश करता है उसके कंट्रोल से बाहर आने की, बट वो बाहर नहीं आ पाता। कैरोलिना बोलती है कि टेलोन फ्लेम को माउंटेन के पीक से नीचे गिरा दो। स्पिरिटोम अपने साइकिक पावर्स का यूज करके बिल्कुल ऐसे ही करता है और टेलोन फ्लेम पीक से नीचे गिर जाता है। टेलोन फ्लेम को बचाने के लिए ऐश भी वहां से कूद जाता है और वो टेलोन फ्लेम को पकड़ लेता है, बट अब ऐश और टेलोन फ्लेम दोनों ही नीचे गिर रहे थे। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना सब लोग काफी डर जाते हैं, बट कैरोलिना बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। कैरोलिना अपने स्कारमरी को बाहर निकालती है, जो कि नीचे जाकर टेलोन फ्लेम और ऐश दोनों को ही बचा लेता है और दोनों को ऊपर भी लेकर आ जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है अपने टेलोन फ्लेम को बचाने के बाद और वो स्कारमरी को थैंक यू बोलता है टेलोन फ्लेम को बचाने के लिए। तभी कैरोलिना अपने स्कारमरी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है एक बात माननी पड़ेगी, ऐश अपने पोकेमॉन से काफी ज्यादा प्यार करता है।